क्रिश्चियन लोगों को देखें तो आज के दिन में हम लोग देखते हैं कि हर लोगों का अलग अलग तरीका है परमेश्वर के साथ बैठना, परमेश्वर के साथ अपने संगति को करना। पर अगर हम लोग देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे, कई लोग पर्सनल प्रेयर करते हैं, कई लोग फैमिली प्रेयर करते हैं, कई लोग मध्यस्थता की प्रार्थना में ज्वाइन होते हैं, कई लोग ग्रुप में ज्वाइन होते हैं। हम लोग खुद SWC मिनिस्ट्री के हर एक फेलोशिप में भाग लेते हैं और बाइबल रीडिंग हो सकता है। ऐसा ऐसा ही एक हमारा एक और टॉपिक है जो आज हमारा वर्ड मेडिटेशन है। और मुझे लगता है कि अगर हम लोग इन सारे अलग अलग टाइप्स जो मैंने आपको बताया, अगर उसमें से हम लोग अगर तीन चीजों को देखें, बाइबल रीडिंग, पर्सनल प्रेयर एंड वर्ड मेडिटेशन, ये तीन एक ऐसा चीज है, अगर इन तीनों के साथ अगर हम परमेश्वर के साथ बैठते हैं तो हमारी जो आध्यात्मिकता है या परमेश्वर के साथ जो एक संबंध है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग और बॉन्ड की तरह बन जाता है। एक प्रकार से हमें वो स्थिरता को लेकर आता है हमारे जीवन में। और यदि मैं बोलूं कि अगर किसी के जीवन में पर्सनल प्रेयर नहीं है या फिर बाइबल रीडिंग नहीं है परमेश्वर के साथ में, मेडिटेशन नहीं है, तो मुझको लगता है वो आज भी परमेश्वर के लिए एक दूध पीने वाला बच्चा की तरह है। हम लोग दो चीजों को हमेशा देखते हैं कि एक स्पिरिचुअली अगर हम लोग देखते हैं तो एक दूध पीता हुआ बच्चे जिसको हम लोग कच्चा बोल सकते हैं, और एक होता है मैच्योर क्रिश्चियन। अगर हम लोग स्पिरिचुअली अगर हम लोग देखें इस मुद्दे को कि अगर कोई हम लोगों को कोई बहुत एंकरेजिंग वाला वचन सुन ले, हम लोग आज के डेट में भी बहुत सारे यूट्यूब में जाते हैं, चैनल्स में हम लोग पास्टर लोगों के या प्रोफेट लोगों का बहुत बड़े बड़े वचन को सुनते हैं। कई ऐसे हम लोगों को एंकरेजिंग वचन जब हमारे जीवन में मिलता है तो हम लोग इतने उच्च लेवल में हमारी आध्यात्मिकता बढ़ जाती है कि आज अरे मेरे को बहुत आनंदित हूँ, आज तो मैं बहुत उत्साहित हूँ कि आज मेरे को परमेश्वर ने ऐसे वचन को दिया, और हम लोग खुद प्रार्थना भी करने लगते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी कि अगर हम लोग ऐसे प्रॉफेट का वचन सुन लिए और सडन अगर हम लोग उस प्रेयर से हम जब बाहर आते हैं तब क्या होता है। अगर मैं अभी रिसेंटली देखूँ तो कोरोना का समय चल रहा है, तो बोलेंगे यार प्रभु थैंक यू सो मच कि आपने ऐसे वचन को मेरे जीवन में दिया कि मैं पूरे तरीके से आपके सामर्थ्य से मैं भर गई। लेकिन चंद फलों में क्या होता है, जिस उच्च लेवल में हम लोग पहुंचते हैं पर उतने ही उस लेवल से हम लोग नीचे भी आ जाते हैं जब हम प्रैक्टिकली एक संसारिकता के जीवन में हम प्रवेश करते हैं। अगर हम दिन भर परमेश्वर के वचन को हम याद करें और यदि हमारे घर में कोई मेहमान आ जाए तब हमारे क्या होता है कि हम बोलेंगे पहले परमेश्वर तेरा वचन तो मेरे जीवन में कार्य करे, और धन्यवाद देते हैं कि कोरोना से आपने हमको बचाया। लेकिन जब कोई दोस्त यार आए हमारे पास में और कोरोना के बारे में बात करे तो हम लोग क्या बोलते हैं, अरे हमको तो शायद कोरोना से ही मरना लिखा है। तो ये दो चीजें हैं जो स्पिरिचुअली हम एक कच्चे रूप में भी जी रहे होते हैं, और कच्चा होना स्पिरिचुअली मतलब हम लोग कई बार दूसरों की गलतियों को भी बहुत ढूंढते हैं। पर जब हम स्पिरिचुअली मैच्योर हो जाते हैं परमेश्वर के साथ में तब हम खुद की खामियों को ढूंढने के लिए हम प्रयत्न करते हैं, हम लोग खुद को सुधारने की कोशिश करते हैं। तो क्यों ना आज जब हम एक नए टॉपिक के साथ में यहाँ परमेश्वर के साथ में मॉर्निंग में बैठने आए हैं, आज हमारा टॉपिक ही है मेडिटेशन करना, तो हम आज वर्ड मेडिटेशन करेंगे, सीखेंगे नई बातों को कि कैसे हम स्पिरिचुअली मैच्योर बने परमेश्वर के साथ में। आइए हम लोग सभी लोगों से मैं अनुरोध करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हैं आप ऐसे सीधा भी मत रखिए अपने वीडियो को, आप साइड करके यूं बैठ सकते हैं कि आपका फेस मेरे को ऐसा दिखना चाहिए। हम लोग मेडिटेशन में जाएंगे, कोई अपने आंखों को ना खोलेगा। मेडिटेशन मतलब टोटली हम लोगों को अपने आंखों को क्लोज करके बैठना है। तो मैं जल्दी से 1 मिनट बस दे रही हूँ, सभी लोग प्लीज उस अवस्था में बैठे एकदम फ्रीली, जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करने पाए, कोई आपको ना छुए, आपका ध्यान सिर्फ परमेश्वर की ओर हो। मैं इसलिए आप लोगों को साइड बैठने बोल रही हूँ ताकि हम लोग एक दूसरे को देखे ना कि कौन प्रार्थना कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है, पर हमारा कनेक्शन सिर्फ परमेश्वर के साथ में यहाँ पे होना चाहिए। इसलिए मैं सबसे अनुरोध करती हूँ कि आप ऐसे सिचुएशन में बैठे, ऐसे अपने आप को टर्न कर ले चेहरे को ऐसा कि आप सिर्फ परमेश्वर की ओर ध्यान लगा सके। आइए समय थैंक यू सो मच सभी लोगों को। हम लोग इस समय अपनी आंखों को बंद करेंगे।
और अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएंगे और सिर्फ उनकी ओर ही हम लोग अपनी नजरों को फेरेंगे। आइए कुछ गीतों को हम लोग गाते हैं। चेहरे को तेरे मुझसे ना फेर, चेहरे को तेरे ना छिपा, चेहरे को तेरे मुझसे ना फेर, चेहरे को तेरे ना छिपा, कब तक करूं मैं इंतजार, अब ना हो वे मुझसे इंतजार, कब तक करूं मैं इंतजार, अब ना हो वे मुझसे इंतजार, सुनना चाहूं तुझको हर दम, है पिता मेरे पिता, सुनना चाहूं तुझको हर दम, है पिता मेरे पिता, सुनना चाहूं तुझको हर दम, हे पिता मेरे पिता। और परमेश्वर पिता, जब हम आपके पास नहीं थे प्रभु जी, जब हम आपको जानते भी नहीं थे परमेश्वर पिता, तब हम लोगों की सुनते थे, पर परमेश्वर पिता जब आप हमारे जीवन में आ लिए प्रभु, जब आप हमारे जीवन में प्रभु जी एनकाउंटर कर लिए पिता परमेश्वर, तब से प्रभु हमने आपको सुनना शुरू किया। धन्यवाद देते हैं प्रभु हमारे जीवन में आने के लिए प्यारे प्रभु जी, कि हम आपको परमेश्वर पिता अपने जीवन में सुन पाते हैं प्रभु जी। धन्यवाद हो प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद हो। परमेश्वर पिता उस समय के लिए जब हमने परमेश्वर पिता आपसे अलग होकर ऐसे पापों को किया पिता परमेश्वर, जिससे हमने आपकी हंसी को प्रभु जी उड़ा दिया। प्रभु हमारे पापों का तू लेखा न रख, अपनी मुखों को परमेश्वर पिता हमसे दूर न कर, हमें ऐसा बना प्रभु कि हम ऐसे कार्यों को करें जिससे परमेश्वर पिता तेरे चेहरे में वो मुस्कुराहट आने पाए। चेहरे को तेरे मुझसे ना फेर, चेहरे को तेरे ना छिपा, चेहरे की तेरे मुझसे ना फेर, चेहरे को तेरे ना छिपा, कब तक करूं मैं इंतजार, अब ना होवे मुझसे इंतजार, कब तक करूं मैं इंतजार, अब ना होवे मुझसे इंतजार,
हरदम है पिता मेरे पिता, देख जाऊं तुझको हरदम है पिता मेरे पिता। जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तू मुझे पुकारेगा तो मैं तुझे सुनूंगा। आइए समय में हम सभी इस पल में हम अपने आप को उस परमेश्वर को समर्पित करें। हम इस समय अगर मन है तो पूरे मन और हृदय से प्रभु को देखने की कोशिश करें। हम अपने ध्यान को लगाएं उस परमेश्वर की ओर। हम प्रभु को बोले कि परमेश्वर इस समय में सिर्फ तू और मैं है प्रभु, बाकी कोई नहीं, बाकी सभी लोगों को तू मेरे आंखों से ओझल कर दे प्रभु। इस समय प्रभु सिर्फ आप और परमेश्वर पिता मैं रहूं, कि जहां प्रभु आप बोले और सिर्फ प्रभु जी मैं तुझे सुनने को पाऊं। प्रभु इस समय पिता हम चाहते हैं कि आप हमें अपने सीने से लगा लीजिए प्रभु। इस सुबह के समय आपने हमें ऐसा सुंदर मौका दिया परमेश्वर पिता। कई लोग हैं प्रभु जी जो सुबह उठकर अपने मोबाइल्स में पिता स्टेटस को देखते हैं पिता, लेकिन आपने हमारे जीवन में साशिश को दिया प्रभु कि हम इस समय सिर्फ आपको देना चाहते हैं। प्रभु हमें इस समय अपने गले से लगा ले प्रभु। हम सभी को प्रभु जी तू बहुत प्यार करता है पिता, हम भी आपको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, वो अनुभव प्रभु जी हम भी चाहते हैं कि हम आपके अनुभव के समय में अनुभव करें। पिता परमेश्वर प्रभु हम आपको पिता एक हक करना चाहते हैं प्रभु। हम थक गए परमेश्वर पिता ऐसे न्यूज को देखकर, ऐसे कोरोना में लोगों को तड़पते हुए देखकर प्रभु, हम सिर्फ आपको एक बार गले लगाना चाहते हैं प्रभु। आइए पिता हमें तू गले लगाइए। गले लगा ले ए पिता मुझे, गले लगा ले, गले लगा ले, गले लगा ले ए पिता मुझे, गले लगा ले, गले लगा ले, गले लगा ले ए पिता मुझे, गले लगा ले, गले लगा ले।
मुझे गले लगा ले हे खुदा, मुझे गले लगा ले, गले लगा ले, मुझे गले लगा ले हे खुदा, मुझे गले लगा ले, गले लगा ले, गले लगा ले हे पिता, मुझे गले लगा ले। आइए इस समय हम लोग मेडिटेशन की ओर जाएंगे, और इस समय मैं आप लोगों से आपसे कहती हूँ कि आप निरंतर अपने आंखों को बंद रखें। कुछ मैं बाइबल से वर्स देना चाहती हूँ। संत लूकस अध्याय 5 पद संख्या 1-11 तक। हम सब अपने आंखों को इस समय बंद रखेंगे और इस वचन को ध्यान से सुनेंगे। मछुओं का बुलावा। एक दिन ईसा गेंसरे की झील के पास थे। लोग ईश्वर का वचन सुनने के लिए उन पर गिरे पड़ते थे। उस समय उन्होंने झील के किनारे लगी दो नावों को देखा। मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। ईसा ने सिमोन के नाव पर सवार होकर उसे किनारे से कुछ दूर ले चलने के लिए कहा। इसके बाद वे नाव पर बैठे हुए जनता को शिक्षा देते रहे। उपदेश समाप्त करने के बाद उन्होंने सिमोन से कहा, नाव गहरे पानी में ले चलो और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। सिमोन ने उत्तर दिया, गुरुवर, रात भर मेहनत करने पर भी हम कुछ नहीं पकड़ सके, परंतु आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। ऐसा करने पर बहुत अधिक मछलियां फंस गईं और जाल फटने को हो गया। आगे का आप लोग पढ़ लीजिएगा बाद में। अभी हम सब मेडिटेशन की ओर जाएंगे और इस वचन को हम जो पढ़ा है उसकी ओर अपने ध्यान को लगाएंगे। जैसा कि मेडिटेशन का सबसे शुरुआती चीज होता है कि हम बाइबल को बहुत ऊंचे स्वर में और परमेश्वर के सामने ओपन करते हुए हम पढ़ें। हम जैसे यहाँ पर देखते हैं कि वचन में लिखा है कि उस समय उन्होंने झील के किनारे लगी दो नाव को देखा। अगर इस समय हम लोग झील का शब्द सुनते हैं तो हमें कैसा फील होता है? मुझे लगता है कि अगर हम किसी झील के किनारे हैं तो हम सब लोग उस झील के किनारों में उस ठंड की हवा को महसूस कर सकते हैं। हम लोग झील के पास अगर जाएं तो वहां कितना सन्नाटा होता है, झील पूरे तरीके से शांत पड़ा हुआ रहता है। और उस झील की अगर हम लोग नजारा को देखें तो वहां कितना खूबसूरत नजारा होता है। आइए हम भी अपने आप को जिस प्रकार यीशु यहाँ पर देख रहे थे उस झील को हम भी देखें, हम भी सहभागिता में भाग लें, हम खुद स्वयं उस यीशु मसीह के साथ वहां पर जाएं और उस झील के बगल में जो अनुभव है हम उनको फील करने की कोशिश करें। और इस समय में जैसा वचन में भी लिखा और यीशु ने कहा कि सिमोन को बोला उन्होंने कि इस नाव को तुम उस किनारे ले चलो। और यदि हम भी उस नाव में सवार हैं तो हम लोग उस चीज को महसूस कर पाते हैं कि नाव से चढ़ने से पहले हम लोग को पांव में वो पानी का गीलापन होना। हम लोग जब कहीं पानी में जाते हैं, कहीं नदी की ओर जाते हैं तो हम कैसा अनुभव करते हैं? हमारा मन मचल जाता है कि हम अपने आप को कंट्रोल भी नहीं कर पाते कि मुझे उस पानी का अनुभव को लेना है। और इस समय हम प्रभु यीशु के साथ हैं और प्रभु कहता है सिमोन को कि तू इस ओर से उस किनारे ले चल। हम सबसे पहले उस पानी में अपने कदम को रखते हैं नाव में चढ़ने से पहले। और उस समय का उस
अनुभव को हम फील कर सकते हैं क्या? आप फील कर पा रहे हैं कि वो ठंडा पानी, झील का पानी हमेशा ठंडा होता है, जो एक ताजगी को लेकर आता है, जो हम महसूस कर सकते हैं इस समय कि हम उस पानी को जैसे ही हमने अपने पैरों को रखा, उस ठंडेपन को हम महसूस कर पाए। और उसके बाद जब हम यीशु के साथ उस सिमोन के नाव में चढ़ रहे हैं और उस आज्ञा में जब यीशु कहता है कि उस ओर ले चढ़, जब हम उस नाव में बैठते हैं, तब हम अनुभव कर सकते हैं कि जब नाव पानी के ऊपर चलता है तो कैसा उथल पुथल सा पानी हो जाता है, अब वो हम वेव की तरह हम उसमें बैठकर उस अनुभव को हम ले सकते हैं कि हम किस तरीके से उस नाव में यीशु मसीह के साथ, उनके लोगों के साथ में हम बैठ कर इस समय सवार कर पा रहे हैं। हम लोग आगे का दृष्टांत, सिमोन को नाव एकदम गहरे पानी में ले चलो और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। कि कितना सुहावना पल है कि हमें ऐसा मौका मिल रहा है कि हम यीशु के साथ उस नाव में सफर कर पा रहे हैं। और जब यीशु कहता है कि गहरे पानी में लेकर चलो, तब हमारे दिल के ऐसा डर सा आ जाता है कि जब हम एक गहरे पानी में जाए तो कहीं हमारे साथ कुछ हो ना जाए। और प्रभु का आज के ही वचन में कहता है कि डर मत, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। और जब उस गहरे पानी में जाते हैं तब मछलियां पकड़ने के लिए यीशु मसीह कहते हैं कि उस गहराई में तू अपने जाल को डाल। और ठीक वैसा ही करने से पहले सिमोन कहता है कि गुरुवर, रात भर मेहनत करने पर भी हमने कुछ नहीं पकड़ पाया। और जब उस समय हो सकता है कि कई ऐसे लोग उस समय कह रहे होंगे कि आज तो हमारा बेकार जीवन गया। शायद कई लोगों का कहना ये भी होगा कि हम रात भर यहाँ पर अपने मछली पकड़ने की कोशिश किए, जो एक एकमात्र हमारा जीवन चलाने का साधन है, पर हम लोगों ने वहां कुछ नहीं पाया। तो अपनी बातों को शेयर कर रहा है यीशु से कि प्रभु मैं रात भर तो मेहनत किया पर मेरे को कुछ भी नहीं मिला। हम अपने आप को यीशु के साथ जोड़कर देखें। हम भी अपने जीवन में ऐसे कई बार, कई क्षण आता है जब हम दिन रात मेहनत करते हैं। हो सकता है कई लोग अपने जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, कई लोग इतना प्रार्थना करते हैं अपने जीवन में कि अपने परिवार को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रभु के द्वारा उनके हमारे परिवार में एक नया काम हो। हम अपनी ऐसी परिस्थितियों को लेकर हम प्रभु यीशु को बोलते हैं कि प्रभु मैं दिन रात इन चीजों में लगा रहता हूँ, दिन रात मैं इन चीजों के लिए व्याकुल होता हूँ, मैं डरता हूँ प्रभु मुझसे ये नहीं हो पा रहा। पर फिर भी प्रभु आगे वचन में क्या कहता है कि तू वही पे डाल। और सिमोन बोलता है कि प्रभु आप कह रहे हैं तुम ये तेरे लिए ये कहने पर मैं जाल डालूंगा। और ये कितना ही सुंदर और ये रिसीविंग पावर हम लोग यहाँ पर सिमोन के जीवन को देख रहे हैं। यह समय है जब हम अपने जीवन को टटोल कर देखें कि जब प्रभु हमें कमांड करता है, प्रभु जब हमें सिखाता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी तो इस चीज को मत कर या फिर इस चीज को कर इससे तेरा उन्नति होगा, तब क्या इस सिमोन के समान हम उस चीजों के लिए हाँ बोल पाते हैं प्रभु को? लेकिन यहाँ सिमोन के चरित्र को हम देखते हैं कि वो तुरंत, वो अभी तक यीशु मसीह को नहीं जानता था, लेकिन फिर भी यीशु के कहने पर सिमोन बोलता है कि मैं जाल डालूंगा। हो सकता है उसमें से कई लोग ऐसा बोल रहे हो सिमोन को कि यार हम लोग रात भर तो हम लोग मेहनत करे और जिस जगह में हम गहरे पानी में भी हम लोगों ने इतना कोशिश किया, इतना प्रैक्टिस किया, लेकिन फिर भी कुछ हासिल नहीं हुआ, चलो हम लोग वापस चलते, हम इनका बात क्यों माने। पर फिर भी यह सिमोन का रिसीविंग पावर हम लोग देखते हैं कि वो विश्वास करता है वहां पर और वो यीशु के कहने पर वो वहां जाल डालता है। और उसके बाद हम लोग वचन में क्या देखते हैं कि बहुत अधिक मछलियां वहां फंस जाती है। और ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा सफलता को यहाँ सिद्ध करता है प्रभु का वचन। या कितना सुंदर समय है कि हम लोग भी उस नाव में प्रभु यीशु के साथ है और हम भी जब इस दृश्य को देखते हैं कि यीशु के कहने पर इतने सारे मछली वहां पे पकड़े गए और हम आनंद से भर जाते हैं। और यही आज हमको अपने जीवन में भी करने की आवश्यकता है कि जब प्रभु हमसे कुछ कहता है
जब हम प्रभु के साथ बैठते हैं तो परमेश्वर की हर एक उस बातों को हम सुना ना करें। कई बार हम अपने जीवन में इसलिए असफलता को प्राप्त करते हैं क्योंकि हम प्रभु के बातों को सुनते तो हैं लेकिन उसे अपने जीवन में हम कार्य में नहीं लेकर आ पाते। पर यहाँ सिमोन के जीवन को देखो, कितना वो खुश था, कितना उत्साह से वो भर गया। और हम भी उस नाव में इस समय है और उस चीज को हम अपनी खुली आंखों से देख पा रहे हैं। क्या आप फील कर पा रहे हैं कि वो सिमोन कितना खुशी से भर आया? वह यीशु मसीह के चेहरे में वो मुस्कुराहट है, हम स्वयं कितने खुश हैं। और वो इतना भारी हो गया जाल कि वो जाल फटने को हो गया। सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम उस जाल को कैसे निकाले और सब जस्ट सिमोन इन बातों को कहता है, दूसरे नाव वालों को बुलाता है कि आओ और हम साथ में इसे निकाल पाएं। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हम स्वयं, मैं खुद उस जाल को खींच रही हूँ उस आनंद के साथ, उस उत्साह के साथ कि यीशु के कहने पर मैंने उस सफलता को पाया और मैं वहां पे जीत हासिल को की। और प्रभु आगे वचन में भी कहता है कि मछलियां इतना भर लिया कि नावें तो पूरी तरीके से डूबने लगी और उनके जितने भी साथी थे वे विस्मित हो गए। और ये विस्मित का बिल्कुल ऐसा समय है कि लोग इस चीजों में शायद विश्वास नहीं कर पा रहे थे। हम भी उस नाव में हैं, साथियों, हम सभी लोग SWC यहाँ पर जितने लोग भी हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम सभी उस नाव में हैं। हो सकता है मेरे मन में जो विचार है वो आपके मन में ना हो, आप भी कई सारी बातों को सोच रहे हैं इस बार कि सच में हमारा मेरा मन यहाँ पर आके ठहर जाता है, यहाँ पर आकर रुक जाता है इस बात पर कि यीशु मसीह ने ये कहा और ऐसा हो गया। हम इतने सारे लोग उस नाव में थे लेकिन किसी ने ऐसा नहीं बोला कि शायद हम फिर से एक बार ट्राई करके देखें। पर एक व्यक्ति आया जो यीशु था, उसके कहने पर सारी चीजें बदल गई। और हर चीजों को बदलने वाला, हर एक परिस्थिति को बदलने वाला भी हमारा प्रभु यीशु मसीह ही है। और ये हमारे लिए एक सुंदर अनुभव है जिसको हम इतने दिनों से सुन तो रहे थे लेकिन शायद हम अनुभव नहीं कर पा रहे थे। और ये अनुभव कि हम सिमोन की तरह उन बातों को, प्रभु यीशु की मसीह को आज्ञा को हमने रिसीव कर पाया। मैं यहाँ के पद को पढ़ती हूँ जहाँ पर लिखा हुआ है वचन में कि जब सब लोग विस्मित हो जाते हैं तब यीशु मसीह सिमोन को कहता है कि डर मत, अब से तुम मनुष्यों को पकड़ा करोगे। वाओ, व्हाट अ वंडरफुल वर्ड कि डरो मत, अब से तुम मनुष्यों को पकड़ा करोगे। हम उस नाव में हैं, हम इतने दूर नहीं है यीशु मसीह के। अब वो जो बातें मेरे मन में आकर ठहर गई कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसके कहने पर सारी परिस्थितियां बदल गई। अब यह समय है कि हम अपने आप को यीशु मसीह के साथ में महसूस करके देखें, हटा दें कि हम उस नाव में हमारे साथ में कौन था। हम अपनी आंखों से ओझल कर दें कि शायद वहां पे सिमोन था, चाहे सिमोन की वहां पे साथी लोग थे। पर अब इस समय हम इस बातों को अनुभव करें कि उस नाव में सिर्फ मैं और यीशु मसीह हूं। और यदि इस समय में प्रभु का वचन बोला कि डर मत, आज हमारे जीवन में इस कोरोना को लेकर हमारे अंदर कितना डर है, हम अपने परिवार के लिए कितना विचलित हो रहे हैं कि प्रभु मेरे परिवार को तू सेफ रख, मेरे रिलेटिव्स को तू सेफ रख, मेरे दोस्तों को तू सेफ रख। हम कितने डरे हुए हैं प्रभु, लेकिन प्रभु का वचन क्या बोला आज कि डर मत। प्रभु हर डर से हम आजाद करने के लिए यहाँ पर आज के वचन से बात कर रहे हैं। इस समय हम यीशु मसीह को हम महसूस करें कि उस नाव में सिर्फ मैं और यीशु मसीह है, तीसरा कोई नहीं है। बात करने की कोशिश करें, इतनी दूर फासला नहीं है भी यीशु मसीह और हमारे बीच। हम क्या करें आज जब यीशु मसीह के पास हम इतने करीबी में हम उनको महसूस कर पा रहे हैं। मैं क्या करूं, क्या मैं प्रभु के चरणों में गिर जाऊं? क्योंकि सिमोन ने भी आज यहाँ पर कहा वचन में कि प्रभु आप यहाँ से चले जाइए, और वो आप प्रभु के चरणों में गिर जाता है क्योंकि बोलता है सिमोन कि मैं तो पापी मनुष्य हूँ। और हम भी पापी मनुष्य हैं, मैं खुद पापी मनुष्य हूँ। मैं क्या करूँ इस समय, मैं तो इस योग्य भी नहीं हूँ कि शायद मैं प्रभु के साथ में बातचीत कर पाऊँ, लेकिन मैं क्या करूँ, क्या मैं प्रभु के चरणों में गिर जाऊँ, क्या मैं प्रभु के पैरों को छूमूं?
मैं प्रभु से बात करूं, प्रभु से कुछ सुनूं, मैं क्या करूं? यदि इस समय में आपके मन में इन बात ये बात आती है कि शायद मेरे को प्रभु से बातें करना चाहिए, प्रभु से गले लगाना चाहिए, तो बिल्कुल उस चीजों में आप खो जाइए। यदि प्रभु आपको आराधना करने में लीन होने के लिए अगुवाई दे रहा है तो आप आराधना में लीन हो जाइए। यदि इस समय में प्रभु के साथ जब हम नाव में झील में खड़े हैं जहाँ पूरा सन्नाटा है, हर जगह पूरे तरीके से शांत एरिया है, पर वहां सिर्फ प्रभु और मैं हैं। और यदि इस समय में प्रभु के साथ उस झील में नाव में खड़े होकर गाना गाने का मन कर रहा है तो बिल्कुल प्रभु यीशु में खो जाइए और प्रभु के साथ एक गाने को गाना गाइए, प्रभु के साथ एंजॉय करिए। हो सकता है कि प्रभु आज हमें अपने सीने से लगा ले, जिस खोज में, जिस प्यार में, जिस भूख में हम इतने समय से शायद परमेश्वर के साथ में हम पर्सनल प्रेयर में बैठते थे, लेकिन यह समय है शायद आज प्रभु हमसे बातचीत करना चाहता है गले लगाकर। आइए हम लोग इस समय में अपने आप को पूरे तरीके से प्रभु को समर्पित कर दें। मैं चाहती हूँ कि हमें से हर एक लोग, जैसा मैं फील कर रही हूँ इस समय कि प्रभु ने मुझे हक किया, प्रभु ने मुझे अपने सीने से लगाया, मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी चीजों को महसूस करें। हो सकता है प्रभु अलग तरीके से आपके साथ में बात कर रहा होगा, आप शायद उनके चरणों में बैठे होंगे मरियम की तरह जो निरंतर उसके चरणों में रहकर वह प्रभु की बातों को सुन रही थी। महसूस करें कि आप इस समय उस झील में एकदम एकांत अकेले प्रभु यीशु के